सुन लो कान खोलकर, इस धरती पर समर्पण का उदाहरण यदि कोई है तो वो है पत्नियां, वो है पत्नी, वो है स्त्री। कैसे? एक स्त्री का समर्पण देखिए पति के प्रति कितना है। समर्पण भगवान में कैसे हो, आपकी पत्नी से सीख लेना पुरुष वर्ग। आपकी पत्नी ने जिस दिन से आपकी शादी हुई, आजकल तो फेसबुक व्हाट्सएप में एक दूसरे से बात हो जाती है, आज के 10 साल 20 साल पहले लड़की लड़का को देखती नहीं थी, जानती नहीं थी। मंडप के नीचे पहली बार भेंट होती थी और जिसे कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, उसके लिए, उस आदमी के लिए एक स्त्री का त्याग देखिए, पति के प्रति समर्पण देखिए। उसने अपने पति के लिए अपनी जन्म देने वाली माँ को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, उस आंगन को छोड़ दिया जिस पर खेली खाई पली बढ़ी, अपने भाई को, अपनी बहन को, सबको छोड़ दिया और उस आदमी के संग जीवन गुजारने चली जिसको कल तक जानती नहीं थी। उसका स्वभाव कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, कुछ नहीं पता। चल पड़ी और ससुराल में आते ही केवल माँ बाप नहीं छोड़ा, अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जाति त्याग दी एक पति के लिए, छोड़ दी अपने नाम को, अपने गोत्र को। हाथ उसके होते हैं, मेहंदी पति के नाम की, माथा उसका है, मांग पति के नाम की, गला उसका है, मंगलसूत्र पति के नाम का, हाथ उसका है, चूड़ियां पति के नाम की, पांव उसका है, माहौर पति के नाम का, यहाँ तक कि पेट उसका, खून उसका, दर्द उसका, पर बच्चा पिता के नाम से जाना जाता है। इसलिए स्त्री का त्याग और स्त्री का जो समर्पण है, यदि स्त्री की तरह किसी भक्त का समर्पण भगवान के लिए हो जाए, इसी जन्म में तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक स्त्री का समर्पण पति के लिए, बताओ जितने पुरुष बैठे हैं बताओ, पत्नियों का समर्पण पतियों के लिए, पत्नियों का समर्पण पति के लिए होता है या नहीं, हो हाँ या ना? सबसे सस्ती, कुछ लोग अपनी पत्नी को नौकरानी मानते हैं, कुछ पुरुष अपनी पत्नी को पांव की जूती मानते हैं। ना साहब, ना तो पत्नी पत्नी नौकरानी है, ना पांव की जूती है। पत्नियां तो माथे की सिर की पगड़ी हुआ करती हैं, जो आपके खानदान की शोभा, कुल की शोभा, वंश की शोभा है। लेकिन कुछ पुरुष उसे पांव की जूती और काम वाली बाई समझे रहते हैं, तुम तो केवल काम करने आई हो, सो काम करो और चुपचाप रहो, कुछ बोलना मत। इसलिए हमारे समाज में हम सभी पुरुषों को चाहिए कि वो अपनी नारियों के त्याग को प्रणाम करें और समर्पण की भावना एक स्त्री के अंदर जितना त्याग, अरे एक संत, एक साधु के जीवन में इतना त्याग नहीं होता जितना त्याग एक स्त्री के जीवन में होता है। हमारे देश में जितना त्याग सन्यासी करता है, सन्यासी का भी नाम गोत्र समाप्त होता है सन्यास लेने के बाद, नारी का भी नाम गोत्र खत्म होता है विवाह के बाद, पति के गोत्र से जानी जाती है, पति के नाम से जानी जाती है। मतलब एक सन्यासी की जितनी इज्जत करनी चाहिए उतनी इज्जत स्त्रियों की करनी चाहिए, उतना आदर उतना सम्मान स्त्रियों का करना चाहिए। जितना त्याग सन्यासी के जीवन में है उतना त्याग स्त्रियों के जीवन में है। पति का सुख वो अपना सुख मानती है, पति का दुख वो अपना दुख मानती है। तो बताओ भगवान के लिए समर्पण कैसा होना चाहिए, जैसे स्त्री का होता है। जैसे मैं स्त्रियों में भी उन स्त्रियों की बात कर रहा हूं जो पतिव्रता स्त्री हैं,
वरना आजकल तो बहुत सारी स्त्रियां अपने पति को छोड़कर मायके भाग जाती हैं, तलाक डिवोर्स माँ के कहने से अपने पति को दे देती हैं। मैं उन स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पतिव्रता नारियों की बात कर रहा हूं। मैं सीता और अनसुईया जैसी, सावित्री जैसी नारियों की बात कर रहा हूं, जिनके जीवन में पति सर्वोपरि है, पति से ऊंचा स्थान वो भगवान को भी नहीं देती, ऐसी स्त्रियां समाज में हुई। माता अनसुईया ने अपने पति को भगवान से ऊंचा स्थान दिया, इसलिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उनके बेटे बनकर उनका दूध पीने के लिए आए थे, आप सब जानते हैं। पति का स्थान भगवान से ऊंचा है, भगवान के बराबर का नहीं है, भगवान से ऊंचा। पति भगवान नहीं है, लेकिन नारी की भावना उसे भगवान बनाती है। अरे पत्थर में थोड़ी कुछ है, लेकिन भक्त की भावना उस पत्थर में भगवान को प्रकट कर देती है। तो पत्थर में भगवान नहीं होता, आपकी भावना में भगवान होता। पति में भगवान नहीं होता, आपके प्रेम आपकी भावना में भगवान होता है। दही, दही में मक्खन होता है कि नहीं, बोलो हाँ जोर से, होता है तो दही से निकाल लो मक्खन, मंथन ना करो, निकलेगा क्या? बिना मंथन किए दही से मक्खन निकलेगा? अरे भैया दही में मक्खन होता तो है, पर हर आदमी से दही का मक्खन निकालना नहीं आता, उसका प्रोसेस से मथानी डालकर मथना पड़ेगा, तब ना जाकर प्रकट होगा। उसी तरह भगवान सब में है, पत्थर से लेकर चींटी से लेकर हाथी सब में है। कोई कोई भक्त होता है जो प्रेम की मथानी लेकर मथ करके परमात्मा रूपी मक्खन को प्रकट कर लेता है। उनमें से एक स्त्री अनसुईया माँ, जिन्होंने अपने पति को प्रेम की मथानी से मथ कर और उस पति रूपी मक्खन से ही, पति रूपी दही से ही परमात्मा रूपी मक्खन को प्राप्त कर लिया। तो आपके पति में परमात्मा तो है, क्या आप में मंथन करने की ताकत है? क्या उस पति से परमात्मा को प्रकट करने की ताकत है? खंबे पर भगवान तो है, क्या उस खंबे से परमात्मा को प्रकट करने की सामर्थ्य आपकी है? इसलिए भगवान की व्यापकता सब जगह, कहां नहीं है वो? पत्थर में है तो पति में नहीं है क्या? बोलो फिर। इसलिए हमारे यहां पुरुष को नारायण और स्त्री को लक्ष्मी, और दोनों को जोड़ा तो लक्ष्मी नारायण कहा गया है। किसी भी पति पत्नी को देखा करो तो इसी भावना से कि ये लक्ष्मी नारायण होने प्रणाम किया करो। हमारे यहां सुहागन स्त्री लक्ष्मी का पूर्ण स्वरूप मानी जाती है। माथे की मांग, उसके कानों के झुमके, उसके गले का मंगलसूत्र, उसके हाथों की मेहंदी, पांव का माहौर, ये लक्ष्मी के चिन्ह हैं। जिस नारी के जीवन में सौभाग्य है, मतलब पति, वो नारी लक्ष्मी स्वरूपा है, और जिसकी अर्धांगनी है वो पुरुष नारायण स्वरूपा है। इसलिए हमारे यहां गृहस्थ को लक्ष्मी नारायण ही बोला जाता है, स्त्री को लक्ष्मी और पुरुष को। तो महाभारत का युद्ध आपको यह सिखाता है कि जैसे द्रौपदी ने किसी पर भरोसा नहीं, एक भगवान पर, आपको किसी पर भरोसा नहीं, एक भगवान पर भरोसा करना चाहिए। किसी के भरोसे रहेंगे तो नुकसान आपका है, करते रहो अपना नुकसान। तो समर्पण भगवान के चरणों में हो, पत्नी की तरह।